आप जान ही चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपने अपनी अल्ट्रासाउंड कराई होगी तो वहाँ पे आपने अपनी प्लासेंटा पोजीशन लिखी हुई आपने देखी होगी, खास करके 18 वीक के बाद। वही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपकी प्लासेंटा पोजीशन लिखी हुई होती है, जैसे कि पोस्टियर है या एंटीरियर है, लो लाइंग प्लासेंटा है, साथ ही साथ आपने प्लासेंटा की ग्रेड 0, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 या ग्रेड 4 लिखी हुई भी देखी होगी प्लासेंटा पोजीशन के साथ। सो ये ग्रेडिंग क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है और इसका बच्चे की हेल्थ के बारे में क्या पता चलता है और डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन, ऐसे सवाल को ये देखकर आपके मन में आता ही होगा। सो फ्रेंड, इन सारे सवाल के जवाब आज आपको इस वीडियो थ्रू मिलने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लासेंटा की ग्रेडिंग होती है ये और कुछ नहीं बल्कि प्लासेंटा की मैच्योरिटी लेवल दर्शाता है। प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो बच्चे के साथ ही प्रेगनेंसी में निर्माण होता है। डिलीवरी होने के बाद ये प्लासेंटा भी बाहर निकाला जाता है। प्लासेंटा को बच्चे की जीवनदायिनी भी कहते हैं। प्लासेंटा माँ और बच्चे को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अंग होता है। माँ के द्वारा जो भी पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन बच्चे को प्लासेंटा के द्वारा ही पहुँचा जाता है और बच्चा जितने वीक का होता है उस हिसाब से प्लासेंटा की थिकनेस भी बढ़ जाती है। जैसे कि बच्चा 20 वीक का हो तो प्लासेंटा की जो थिकनेस होती है वो 20 मिलीमीटर हो जाती है, या फिर अगर 20 वीक का हो तो इसका मतलब है जैसे बच्चा वीक बाय वीक बड़ा होता है, प्लासेंटा भी उस हिसाब से ग्रो और मैच्योर होता है ताकि बच्चे की सही से डेवलपमेंट हो सके। सो फ्रेंड्स, इनिशियली यानी 18 वीक तक प्लासेंटा की जो मैच्योरिटी होती है वह 0 ग्रेड से ग्रेड 1 तक होती है। 20 वीक के बाद प्लासेंटा ग्रेड 2 हो जाता है और जब प्लासेंटा ग्रेड 3 में एंटर होता है, खास करके वीक 36 वीक के बाद, या फिर हो सकता है किसी का प्लासेंटा ग्रेड 4 में भी एंटर कर लेता है, जैसे कि मेरा क्या था, मैंने जब 36 वीक की प्लासेंटा अल्ट्रासाउंड की थी तो मेरा ग्रेड 4 था और वैसे कि डिलीवरी तक जो आपका प्लासेंटा का ग्रेड है वो 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है और बहुत सारे महिलाओं का 2 भी रहता है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही रेयरली होता है कि प्लासेंटा का ग्रेड 4 हो जाए, पर नॉर्मली आपका 2 या 3 ग्रेडिंग होती ही है आपकी डिलीवरी तक या 40 वीक। सो फ्रेंड्स, प्लासेंटा की ग्रेडिंग को लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ प्लासेंटा की मैच्योरिटी लेवल ही बताती है ये ग्रेडिंग। सो इससे आपके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आपकी ग्रेडिंग 2 है या 3 है या 4 है आपकी डिलीवरी तक। सो आपको इस लेकर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी बेबी की मतलब प्लासेंटा की मैच्योरिटी दर्शाता है, इससे बेबी के हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता या फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। आई होप फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो थ्रू आप जान चुके होंगे कि ये प्लासेंटा की ग्रेडिंग क्या होती है और इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक आप और अपने बेबी का ख्याल रखें। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।